सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेशनल सर्वेयर यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल के आइकन पे ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाफर अफरीदी और मैं तमाम देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल सर्वेयर में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, ऑटो लेवल लेसन नंबर 16 आज की वीडियो में बताऊँगा कि हम कैसे ऑटो लेवल की मदद से कोऑर्डिनेट जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट की। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपने मशीन सेट कर देना है पॉइंट के ऊपर और प्लम बाप की मदद से आपने पॉइंट के ऊपर मशीन सेट कर देना है, ठीक है। इसके बाद डियर फ्रेंड, आपने ट्रू नॉर्थ जो है टारगेट करना है कंपास की मदद से, अपने नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो टारगेट करना है। नॉर्थ डायरेक्शन टारगेट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल 0 से लेकर 360 डिग्री इस पर मौजूद है और आपने इसको बिल्कुल 0-0 कर देना है। 0-0 करने के बाद डियर फ्रेंड, जिस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं वहाँ पे अपने हेल्पर भेज देना है और रेंजिंग रॉड जो है रॉड आपने टारगेट कर देना है। जो भी सपोज मैं इसको इस तरह घुमा देता हूँ अपने मतलूबा पॉइंट की डायरेक्शन पे, यहाँ पे जो भी एंगल बन जाती है, ठीक है, वो एंगल आपने नोट कर देना है। ये आपकी बेरिंग होगी, ठीक है, और जो भी यहाँ पे बन जाए आपने नोट करना है। नोट करने के बाद आपने फिर स्टाफ रॉड की मदद से पहले यानी आपने रेंजिंग रॉड के साथ इसको बिल्कुल एंगल फिक्स करना है ताकि कुरेसी के साथ काम हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपने स्टाफ रॉड की मदद से उसी पॉइंट और इसी पॉइंट के दरमियान आपने ऑटो लेवल की हेल्प इसकी मदद से आपने डिस्टेंस निकाल देना है। यानी पहले भी ऑलरेडी मैं इसके ऊपर मेरी जो है वो वीडियो मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, फिर हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे और कैसे नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन। जी डियर फ्रेंड, ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम मैं क्रिएट कर चुका हूँ और जैसे मैं बताया कि फर्स्ट पॉइंट पे आपने ऑटो लेवल सेट करना है। ऑटो लेवल सेट करने के बाद ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन आपने टारगेट करना है और आपका जो मशीन की सर्कल की एंगल है वो आपने 0-0 कर देना है। उसके बाद आपका जो मतलूबा पॉइंट है उसी पॉइंट के डायरेक्शन पर आपने मशीन को घुमाना है और जो भी आपके पास एंगल बने वो आपने नोट करना है। यहाँ पे 68 डिग्री 23 मिनट 42 सेकेंड ये हमारे पास आई हुई है और फिर इसके बाद नोट करने के बाद यहाँ पे जो हमारा मतलूबा पॉइंट है इसी पॉइंट के ऊपर आपने ऑटो लेवल की मदद से डिस्टेंस निकाल देना है। तो वो हम कैसे निकाल चुके हैं पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास जब हम क्रॉस हेयर में देखते हैं तो हमारे पास इस तरह पोजिशन नज़र आ जाता है और इसमें यह कि अपर स्टेडिया सेंटर लाइन और हमारे पास लोअर स्टेडिया है, ठीक है। तो इसमें यह होता है कि अमूमन जब हम काम करते हैं तो हम सेंटर पे जो भी रीडिंग हमारे पास होती है वो हम रीड करते हैं, लेकिन जब हम ऑटो लेवल से डिस्टेंस निकालते हैं तो अपर हम रीड करते हैं और लोअर हम रीड करते हैं, ठीक है। फिर अपर से हम लोअर माइनस करते हैं और हमारे पास जो भी वैल्यू आ जाए उसको हम 100 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के बाद फिर कैलकुलेटर की मदद से साइन कॉस रूल जो है उसकी मदद से हम कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह अगर सपोज इस पॉइंट की मैंने नॉर्थिंग कैलकुलेट करना है तो नॉर्थिंग के लिए मैंने कॉस लिखना है। कॉस लिखने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री है 68 डिग्री और 23 मिनट और 42 सेकेंड और इसको ब्रैकेट बंद करना है, मल्टीप्लाई करना है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 107.74 मीटर है, ठीक है, और ये एंटर करना है। इसके बाद फिर हमने प्लस करना है स्टार्टिंग नॉर्थिंग की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट नॉर्थिंग की वैल्यू है 300, ये मैंने इसके साथ प्लस करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट के आप देख रहे कि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट में चेक कर रहा हूँ सीडी कमांड के साथ, तो आप देख रहे फ्रेंड कि ये इसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका ये प्रोसेस है और ये सेम फार्मूला है इस टैंक के लिए भी, लेकिन इस टैंक के लिए हमने साइन
लेना है, ठीक है। नॉर्थिंग के लिए हमने कॉज लेना है और ईस्टिंग के लिए हमने साइन लेना है। सेम प्रोसीजर है, सेम इसी फार्मूले की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।